के जल्दबाजी में, क्योंकि लड़की का रिश्ता करना है, तो उस कंडीशन में आदमी को ये परिवार को देख ही नहीं पाता और रिश्ता कर देता है। और पता चला, परिणाम ये निकला कि कुछ दिन के बाद उसमें विवाद होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं यदि हम समाज में नहीं बैठेंगे, उठेंगे, मिले चलेंगे नहीं, तो वो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि उन परेशानियों से बचना है तो हमें संगठन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, जैसे भाई साहब कह रहे थे, संगठन क्या है, अभी बताया उदाहरण देखे कि यदि हम कमज़ोर भी आदमी हैं, सारे एकजुट हैं, तो हम हर आदमी से मजबूत हैं। संगठन की क्यों ज़रूरत है? अकेला आदमी कहीं जाएगा वहीं पिट जाएगा, और यदि 10 आदमी खड़े हो, किसी की हिम्मत है कुछ कह दे, कितना ही बड़ा दबंग आदमी हो, ये संगठन की ताकत है। इसलिए ज़रूरी है एकजुटता। दूसरा, हमारी जो आज शिक्षा प्रणाली है, इतनी भटकाव वाली शिक्षा हमारी है पूरे हिंदुस्तान में। बच्चे ने हाई स्कूल करा, उसे ये नहीं पता इंटर में मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने, दोस्तों से पूछेगा। उसके बाद चलो किसी तरीके से इंटर कर लिया, इंटर के बाद फिर भी उसे अपना खुद का कोई विवेक, कोई सोच समझ कुछ नहीं, अपने दोस्तों से राय करेगा। अब ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, किस साइड में जाना है, जो दोस्त कहेंगे, चाहे उसकी वहाँ रुचि है या नहीं है, उस लाइन में चला जाएगा। पता चला उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर दोस्तों ने कहा जी आईटीआई कर ले, उसके बाद आईटीआई कर रहा है। मतलब जो काम हाई स्कूल के बाद किया जा सकता था, इंटर के बाद किया जा सकता है, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे कर रहा है। ये है हमारी भटकाव वाली शिक्षा। इसके लिए हमारे दिमाग में एक योजना है, अभी हम जो संगठन तैयार कर रहे हैं उसके लिए हम अपने जो संगठन में जो जो लोग होंगे गाँववार, हम सबकी ट्रेनिंग करेंगे, सबको ट्रेंड करेंगे। किस किस क्षेत्र में ट्रेंड करेंगे? आज सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है जिससे हमारे समाज को लाभ हो सकता है, भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे हमारे लोगों को लाभ पहुंच सकता है, तो वो चीज़ हम तब पहुंचा सकते हैं। मान लो मेरे पास तक यदि कोई जानकारी है और यदि मैं गाँव के 10-10, 20-20 लोगों को ट्रेंड कर दूँ, तो वो बड़ी तेज़ी से फैलेगी। तो मेरा इसमें निवेदन ये है कि एक तो संगठन को सही तरीके से बनाना जरूरी है, और एक समय की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मान लो यहाँ 2 बजे का समय दिया गया है, तो 2 बजे का मतलब फिर 2 बजे होना चाहिए। पता चला कि आप में से 4 आदमी सही 2 बजे आके बैठ गए और 10 आदमी जो है 3 बजे आ रहे हैं, तो 1 घंटा उनका तो पहले 10 आदमियों का ख़राब हुआ ना। इसलिए हमेशा कभी कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो उस समय का बिल्कुल ध्यान रखो। समय जब डिसाइड करो उस समय बिल्कुल सोच समझ के करो कि हाँ इतने बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। ऐसे ही जो हमारे लोग हैं, जो हम लोग हैं, यदि हमें पता है कि भाई इतने बजे पहुंचना है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा कोई इंतज़ार ना करे, हम समय से पहले पहुंचे। ये कुछ चीज़ें बेसिक है। अभी आप देखो, आज परिवार में बच्चे संयुक्त रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि जब हम लोग, जिस समय हमारी परवरिश थी, तो हमारे जो बड़े थे जब वो हुक्का पीते थे, तो जितने बच्चे थे पढ़ के आने के बाद बाबा जी की चिलम भरते थे और उनके पांव पे जो है जाके बैठते थे। तो उन्होंने जो उनके जीवन के अनुभव थे, जो जो उन्होंने सीखा है अपने जीवन में, वो सब वो चर्चा करते थे और हम वहाँ बैठ के सुनते थे। तो हमारे ज्ञान में जो है वृद्धि होती थी कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए जीवन में, तो हमारे बड़ों ने ये कहा कि हमने ये डिसीजन लेकर इस समस्या का समाधान ऐसे कर लिया था। आज किसी को किसी की बात बर्दाश्त नहीं, बेटे की बात, बाप बेटे की मानने को तैयार नहीं और बेटा बाप की मानने को तैयार नहीं। इसलिए परिवार जो है आज एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। अब आप लगाओ, यदि संयुक्त परिवार है, मान लो 4 बड़े आदमी हैं परिवार में और उन 4 के 2-2 बच्चे हैं, यदि वो एकल परिवार होगा तो बाप तो चला जाएगा कमाने, माँ घर का काम करेगी, और जो 2 बच्चे हैं उन पर देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और यदि परिवार के 4 बड़े हैं और 4ों के 2-2 बच्चे हैं, तो 4 आदमी मॉनिटरिंग करने वाले हैं, हमेशा कोई ना कोई आदमी परिवार में उपस्थित होगा। और बच्चा देर से आ रहा तो क्यों आ रहा है, एकदम टोकेगा, हाँ भाई कहाँ गया था। तो ये संयुक्त परिवार की, और आदमी ये सोचता है कि यार मैं अकेला कमा रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार खा रहा है, तो मेरे ही सहारे चल रहा है, मैं क्यों ना अलग हो जाऊं परिवार से, और उसका नुकसान बहुत बड़े रूप में चुकाना पड़ता है। तो यहाँ जो है इकट्ठे रहने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को ये शिक्षा मिलनी बहुत ज़रूरी है कि संयुक्त परिवार में रहेंगे तो जो बड़ों की छत्र छाया है
उस छत्र छाया में जो परवरिश होगी वो बच्चा फिर कभी जीवन में मार नहीं खाएगा, ये बहुत जरूरी है। अब बात आती है इस संगठन को तैयार कैसे करेंगे, खड़ा कैसे करेंगे। तीन सवाल, संगठन क्या, क्यों और कैसे। अब कैसे की बात सुनो, जैसे अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आज गांव में मीटिंग रखी है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जहाँ जहाँ सबकी रिश्तेदारियाँ हैं, सबकी हैं, सब लोग प्रयास करो कि मैं अपनी रिश्तेदारियों में हर जगह ऐसी बिरादरी की मीटिंग कराऊंगा और गांव के सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे। तो जब हर जगह हम लोग ऐसी बैठक करेंगे और गांव का एक संगठन हम तैयार करके देंगे, आप 10 यहां लोग हैं तो हम अभी वो रूपरेखा बना के देंगे आपको कि आपको इस संगठन को आगे कैसे चलाना है, क्योंकि कोई भी संगठन बगैर उद्देश्य के नहीं चलता। संगठन का हमेशा उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से आप जो है संगठन खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो संगठन की बात हम कर रहे हैं, मेरा इसमें एक सुझाव है कि हम लोग गोरखनाथ सेना के नाम से एक यूथ का, युवाओं का एक नया संगठन हम शुरू करें, गोरखनाथ सेना। और उसमें हर आदमी, क्योंकि उसमें ना तो किसी को नाथ को कोई दिक्कत होगी, ना जो उपाध्याय लिख रहा उसे कोई दिक्कत होगी, जो योगी लिख रहा ना उसे कोई दिक्कत होगी। यदि हम गोरखनाथ सेना के नाम से युवाओं का, और उसमें क्राइटेरिया रख दें कि जो 50 से ऊपर के उम्र के हैं वो संरक्षक मंडल में रहेंगे और जो युवा हैं वो उस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और गोरखनाथ सेना के नाम से हम इस संगठन को, क्योंकि एक नाम भी देना संगठन का बहुत ज़रूरी है, और जैसे पहचान, जैसे भाई साहब ये गले में डाल रहे हैं इस तरह की पहचान, ताकि पता चले कि ये उस संगठन के लोग हैं। किसी भी, आप कहीं भी जाओ, यदि अपनी एक विशेष पहचान आपने बनाई है तो सबको पता चल जाएगा भाई ये गोरखनाथ सेना के लोग हैं। दूसरी बात, यदि अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई हमारे आदमी को नाजायज तरीके से सताने का प्रयास कर रहा है या ठगने का कोशिश कर रहा है, कोई और समस्या है किसी भी तरीके की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ भी, तो उसके लिए वो समस्या संगठन के पास जैसे ही आए तो अपने संगठन में गांव वाइज हम लोग कुछ ऐसे लोग तैयार करेंगे जो आधे घंटे की सर्विस पे जहां भी हम बुलाएंगे जिले के एरिया में वहां वो लोग पहुंच जाएं। गांव वाइज दो दो चार चार भी यदि हुए, और यहां लगभग 600 गांव हैं तो 1200 की संख्या में लोग होंगे, और 1200 की संख्या की बात छोड़ दो, कि 100-200 भी लड़के एकदम पहुँचने वाले हुए तो चाहे आप जिला अधिकारी से जो मर्जी काम करा लो, SSP से जो मर्जी काम करा लो, यदि अपने आदमी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वहाँ वो हम उस काम को रोक सकते हैं। उसके लिए बस यही शर्त है कि गांव वाइज दो दो लड़कों की टीम ऐसी हमारी हो जाए। पूरे मेरठ ज़िले की यदि बात करूं तो लगभग 1200-1500 लड़के हो जाएंगे जो आधे घंटे की सर्विस पर जहां मर्जी एनी इमरजेंसी तुरंत पहुँच जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको जो है कोई आदमी किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचा दे। तो ये संगठन, यदि आप लोगों की सहमति हो तो इस तरीके से हम संगठन को जो है बना के आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे, और इसलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी शुरुआत अपने घर से करता है, तो ये हमारा घर है और घर से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके कुछ उद्देश्य मैंने बनाए हैं कि ये संगठन क्या क्या काम करेगा, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होंगे तो संगठन फिर काम नहीं कर सकता, वो बेकार है। तो ये, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, इसके फिलहाल अभी तक 14 उद्देश्य मेरे जो संज्ञान में आए हैं, यदि इसमें संशोधन आप लोग कहोगे तो संशोधन हो जाएगा, अभी थोड़ा सा मैंने लिखा था। उद्देश्य में नंबर एक है योगी, जोगी, उपाध्याय, नाथ, गोस्वामी समाज के नवयुवकों को संगठित करना, इस संगठन का उद्देश्य होगा कि सबको जोड़ना, पहला। दूसरा, समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, ये इस संगठन का उद्देश्य होगा। तीसरा, समाज के परिवारों की यथासंभव सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांगठनिक, आर्थिक मदद करने का प्रयास करना। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है, यदि वो संगठन के पास आती है तो संगठन का ये दायित्व है उस समस्या का समाधान हम करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी उसे करने के लिए, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर का है, समाज के परिवारों के लड़के लड़कियों की शादी करने के लिए, अच्छे परिवार की तलाश के लिए भविष्य में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह संगठन एक वेबसाइट समाज को उपलब्ध कराएगा और जहां समाज के सभी परिवारों का पूरा बायोडाटा उस पर होगा ऑनलाइन। समाज का कोई भी व्यक्ति
यदि उसे लड़के चाहिए तो वहाँ उसमें वो वेबसाइट पर जाएगा और वेबसाइट पर जाके जितने लड़के उसमें हैं आप उसमें से देख लो कि मेरे लायक कौन है और उस परिवार में जाओ और अपनी बात कर लो। एक ऐसी वेबसाइट हम लोग समाज को उपलब्ध कराएंगे, वहाँ हर समाज के हर एक परिवार का पूरा डाटा होगा। इसके अलावा भविष्य में यह संगठन समाज के गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों की शिक्षा के लिए परिवार को आर्थिक मदद अथवा पढ़ाई की पूरी व्यवस्था अपने स्तर से कराएगा। आने वाले समय में ये संगठन, यदि कोई बच्चा ऐसा होशियार है और वो पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, वो हाई स्कूल में जाकर रुक रहा है, इंटर में जाकर रुक रहा है, या ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा है, या कोई टेक्निकल कोर्स नहीं कर पा रहा है और वास्तव में होशियार बच्चा है, 90% से ऊपर ला रहा है, तो उसे ये संगठन मदद करेगा। इसके अलावा समाज के गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में संगठन मदद करेगा। कुछ मदद हम लोग सरकार से कराएंगे, जैसे गवर्नमेंट का एक कोटा होता है, गवर्नमेंट उसमें देती है, और कुछ संगठन की तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य समाज के लोगों द्वारा समाज के लोगों पर कहीं भी अत्याचार की कोई सूचना यदि संगठन को मिलती है तो जो संगठन उस समय आपकी हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके अलावा संगठन विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत रहेगा। 24 घंटे समाज के लोग, अब जैसे जैसे संगठन बढ़ेगा तो कोई आदमी कहीं काम कर रहा, कोई काम कहीं काम कर रहा, समाज के उत्थान के लिए हमेशा रेगुलर काम चलता रहेगा। दूसरा, समाज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का कार्य भी यह संगठन करेगा। बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट के कानून है, जैसे एक सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो एक्ट है, कानून है, उसकी जानकारी हम देंगे, उसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन RTE, शिक्षा का अधिकार, एक कानून है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि आपके क्षेत्र में यदि कोई पब्लिक स्कूल है और वहाँ हमारे परिवार, कुछ परिवार गरीब परिवार हैं, उसका एक क्राइटेरिया है, उस आमदनी से कम आय वाले लोग रह रहे हैं, तो उनका निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वहाँ होगी, इस गवर्नमेंट का कानून है, वो पूरी जानकारी हम देंगे। संगठन से जुड़ने के, लोग कहते हैं ना यार मीटिंग में चले जाए, वहाँ जाने का फायदा तो कुछ, फायदा होगा, आप आओगे जुड़ोगे तो फायदा होगा। इसके अलावा जनपद मेरठ से शुरू कर इस संगठन का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर करने के लिए यह संगठन हमेशा प्रयासरत रहेगा। समाज के छात्र छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग, जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे को उसने हाई स्कूल कर ली, इंटर कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग की हम व्यवस्था देंगे। जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट को हम लेकर आएंगे आपके बीच में। इसके अलावा जो खेल जगत में कुछ बच्चे यदि हमारे रुचि रखते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो संगठन उनकी भी मदद करेगा। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे और जिस भी तरीके से आपकी मदद होगी उस तरीके से मदद करेंगे ताकि परिवारों में जो है स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उत्पन्न हो सके। तो इस तरीके का ये कुछ सुझाव थे अपने, इनको लेके हम आगे चलेंगे, क्योंकि जब तक संगठन को आप सही रूपरेखा में नहीं लेकर आओगे।